जिस तरीके से सड़क के किनारे ये हादसा हुआ है, definitely वो आदमी नशे में धुत होगा। You're right, sir. वो लड़की और वो खूनी जरूर गाड़ी में ही आए हों। तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे कुछ गेस्ट किसी को मारने की कोशिश करते हैं। आप मेरे बेटे को डिटेन नहीं कर सकते। कार चोरी हो गई, गन भी चोरी हो गई, और पार्टी में गन मेरे बेटे रणवीर ने नहीं हिमांश ने चलाई थी। रणवीर के बर्थडे पार्टी में रोमा क्या कर रही थी? सर, रोमा पिछले दो दिन से हॉस्टल नहीं आ रही। आप कह रहे थे कि वो किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। जिक्र तो कर रहा था। क्या हुआ सर? पंचील रोड पे जिस लड़की का बाल मिला था मैं, वो रोमा ही है। देख, उसकी जेब में साइकिल। ये लड़की तो सीआईडी की ट्रेनी कॉप है। क्या? हे भगवान, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? अब तो सीआईडी हमें नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? रुको, पागल हो क्या? ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बच गई तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। हाँ। इसे मारना पड़ेगा। तू पागल हो गया? तू इसे मारने की बात कर रहा है? एक सीआईडी कॉप है, और चाहे जो भी हो, हम किसी की जान नहीं ले सकते। हम खूनी नहीं है यार। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन इस लड़की ने हमारा चेहरा देखा है, हमारे नाम तक जानती है ये। और अगर इसने जाके सीआईडी को कुछ बोल दिया ना, तो हम सब मारे जाएंगे। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें इसे मारना ही होगा। तुम भी इसकी बातों में आ गई? ये गलत है। अब अपनी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। Okay, निकल। गाड़ी के अंदर चेक करो, जो भी सुराग मिले सब उठा लो। सर, सर इस पे तारकोट लगा हुआ है। यहाँ पे तारकोट? और तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ ड्राइवर सीट के मैट पे तारकोट लगा है। इसका मतलब है ये गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर किसी ऐसी सड़क पे गया है, इस सड़क पे मरम्मत का काम चल रहा है। सर, सर ड्राइवर सीट के नीचे जो मैट थी उसके ऊपर से हमें एक जूते का प्रिंट मिला है,
किस तरह के जूतों के निशान है ये? किसी लेडीज सैंडल का है और मिट्टी विट्टी का नहीं है जैसा लग रहा था, इनफैक्ट तारकोल का है। मतलब सर गाड़ी कोई लड़की चला रही होगी? हाँ, और ये निशान काफी शार्प और गहरा है, जरूर उस लड़की ने हाई हील्स पहन रखी होगी। कहीं ये लड़की रणवीर की गर्लफ्रेंड तो नहीं संजना? हमने संजना के सैंडल्स देखे थे और उस पे कोई तारकोल लगा हुआ नहीं था। हाँ सर, सर शायद उस गाड़ी में एक और लड़की होगी और वही ड्राइव कर रही होगी। मगर सर उस पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने बताया था कि गाड़ी में सिर्फ एक लड़की थी, एक लड़की दो लड़के। एक और बात, पेट्रोल पंप से लेकर रोमा के बाल मिलने की जगह तक का रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं कोई मरम्मत का काम नहीं चल रहा है, ना कोई मिट्टी, ना कोई पत्थर और ना ही कोई टारकोल। तो फिर इस लड़की के सैंडल पे टारकोल कहां से आया? वो लड़की पेट्रोल पंप से पहले ही किसी जगह उतर गई जहां पर रोड रिपेयर का काम चल रहा हो। पर सर वो लड़की उतरी ही क्यों? मतलब इतनी रात को एक अकेली लड़की बीच सड़क में उतर जाए कुछ अजीब सा नहीं लगता? ये बात तो है। एक काम करते हैं, पेट्रोल पंप से पहले का जो इलाका है वहां लोगों से पूछताछ करते हैं इस लड़की के बारे में। सर वो रास्ता तो पेट्रोल पंप और क्लब के बीच में ही पड़ना चाहिए, हम कहीं आगे तो नहीं आ गए? आपको क्या लगता है सर, रास्ते का काम अभी भी चल रहा होगा? मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरी क्यों थी? इतनी देर रात ऐसा हो क्या गया था जो उसे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, और वो भी ऐसी सड़क पे जो नई नई बनी, जिसका तारकोल अभी सूखा नहीं है। सर 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 गाड़ी रुकिए सर सर सर, वो देखिए रास्ता नया लग रहा है, तारकोल अभी भी फ्रेश है। यही रास्ता होगा। रेडी, इस तरफ ले लो। सड़क तो काफी सुनसान है, लेकिन हुआ क्या था ऐसा कि वो दूसरी लड़की या फिर संजना गाड़ी से नीचे उतरी? एक मिनट रेडी, गाड़ी रोको। तो इसलिए उतरी थी वो, देख रहे हो, पीपी देसी दारू की दुकान। लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसे सुनसान रास्ते पर दारू खरीदने के लिए उतरी होगी? याद है जहाँ पे हमें वो बाल और खून के निशान मिले थे, वहाँ पे सस्ती दारू की दो बॉटल भी मिली थी ना। ऐसी चीप दारू तो ऐसी दुकानों पे मिलती है। 100% ओरिजिनल है, फर्जी माल अपन रखता ही नहीं। चल भाई। हाँ। अरे सुनो। हाँ बोलो साहब, क्या मांगता है? हम लोग CID से हैं। CID? सब लाइसेंस है मेरे पास, गलत धंधा नहीं करता है साहब। देखो हम यहाँ एक लड़की और दो लड़कों के बारे में पूछताछ करने आए। कौन साहब? ठीक से याद करके बता, परसों रात कोई लड़की दो लड़कों के साथ यहाँ पे शराब खरीदने आई थी क्या? परसों रात? हाँ, कुछ 20-21 साल के होंगे, किसी पार्टी से आ रहे थे, काफी मस्ती में थे। हाँ याद आया साहब, एक लड़की तो आई थी, पीकर एकदम टल्ली थी साहब। ये लड़की के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, उस लड़की के नाखून काफी लंबे थे और उस नाखून पे गुलाबी रंग की चमकीली नेल पॉलिश लगी थी। ये फोटो देखो, ये लड़की थी? नहीं, चेहरा तो देख नहीं पाया साहब, मैं दुकान बंद कर रहा था साहब, सब लाइटें बंद कर रखी थी। वाह, चेहरा देख नहीं पाया मगर उसकी नेल पॉलिश देख ली? नहीं नहीं, वो लड़की का सर थोड़ा चकरा रहा था तो बार बार अपना हाथ चेहरे पे लगा रही थी, और नेल पॉलिश इतनी चमकीली थी साहब कि ध्यान में रह गई। कुछ और याद है, लड़की ने क्या पहना हुआ था? टी शर्ट जींस पहनी थी साहब लड़की ने। क्या? टी शर्ट जींस? हाँ। अरे संजना ने तो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था ना? हाँ सर। इसका मतलब जो लड़की यहाँ पे शराब खरीदने आई थी वो संजना नहीं थी, वो है हमारी मिस्ट्री गर्ल, लड़की नंबर 2। गाड़ी में कौन था देखा तुमने? चिल्लाने की आवाज आ रही थी साहब, आवाज से तो लगता है दो लड़के थे। अंदर किसी लड़की को भी देखा था? लड़की नहीं साहब। दो लड़के गाड़ी में बैठे थे,
जो लड़की यहाँ शराब लेने आई थी वो संजना नहीं थी, तो वो लड़की है कौन और उस वक्त संजना कहाँ गायब हो गई थी? सर लगता है ये तीनों के तीनों हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ सोचते हैं सर, कुछ तो सोचते हैं। अरे सर, मुझे नहीं लगता कि उस रात गाड़ी संजना चला रही थी। सर अगर संजना नहीं थी तो फिर कौन था? यही पता करना है रजत, चौथी लड़की का राज। तनुज, रणवीर, रणवीर, तनुज, संजना, ये संजना गई कहां? नहीं नहीं, पीड़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। संजना, ड्राइवर संजना भी हो सकती है। यस सर, बड़े ही तिगड़म बाज हैं तीनों। सीआईडी को गुमराह करने के लिए पता नहीं इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है। इंस्पेक्टर प्लीज जवाब दीजिए, मेरा बेटा कहाँ है? Where is my son? हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर समझते हैं, अब सिर्फ आपसे समझना है कि आपका बेटा कहाँ है। आपको मालूम होना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज ऑफिसर बता दीजिए, मेरा नन्ना मुन्ना कहाँ है? नन्ना मुन्ना दो दो खून किए हैं आपके नन्ने मुन्ने ने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन आपका नन्ना मुन्ना काफी बड़ा हो गया है। नहीं नहीं, हमारे बच्चे गुनहगार नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अरे वो तो खुद लापता है। लापता नहीं, गायब है, गुमशुदा है जानबूझकर, हां? और आप लोग यहाँ झांसा देने आए हैं? याद रखना, उन्होंने दो लोगों के खून किए और उसमें से एक सीआईडी ऑफिसर रोमा है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे उन्हें। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा इस खून में शामिल था? वो तो मिस्टर आदित्य, सीआईडी किसी के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाती, समझे? बहुत जल्दी पेश किया जाएगा सबूत, फिलहाल तो सिर्फ इतना ही काफी है कि आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है, और ये बात वो भी जानता है, इसके बावजूद वो गायब है। हमारे लिए काफी है आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे बच्चे नादान हैं, गुनहगार नहीं, वो डर गए हैं और डर के मारे कहीं भाग गए होंगे, उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। ढूंढना तो पड़ेगा ही उन्हें, सजा जो देनी है, दो दो खून किए हैं, हमसे दया की उम्मीद मत रखना। सर रणवीर भैया किसी को मार नहीं सकते सर, ही सो इनोसेंट सर, वो ऐसा नहीं कर सकते सर। अपने आंसू संभाल के रखिए, जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी तब काम आएंगे। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के, पूरे ऐशो आराम की जिंदगी दे रखी थी आपने अपने लाडलों को, ये उसी का नतीजा। तीनों पिए हुए थे, सॉरी नशे में धुत थे, अपने आपे से बाहर। आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार है, ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। बहुत छूट दे रखी थी अपने बच्चों को, लेकिन सीआईडी से छूट नहीं पाएंगे वो। मानते हैं ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ, हमारे बच्चों पर ना सही, हम पर तो भरोसा कीजिए और उन्हें ढूंढिए, ये हमारी विनती है। मिस्टर आदित्य, आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं, बच्चों के बारे में जो कुछ भी जानकारी है बताइए। मेरी बेटी संजना तो उसकी फ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग करने मॉल में गई थी और वहां से ही लापता हो गई है। ये सच है? यस सर। क्या हुआ था वहां मॉल में? सर हम लोग मॉल में थे और हम लोग शूज ही देख रहे थे, वहाँ एकदम से उसे फोन आ गया। किसका फोन आया था? सर वो रणवीर का फोन आया था और उसने मुझे बाय किया और वो बाय करके एकदम से चली गई थी। अब कुछ बोल कर गई, कहाँ जा रही है? नहीं सर, सर ड्राइवर को पता होगा, वो गाड़ी लेके गया था। दोपहर का समय था। आपका बेटा रणवीर कहाँ था ये तो मालूम होगा ना आपको? उस वक्त तनुज के साथ था, करीब 3 बजे तनुज हमारे घर आया था और फिर दोनों हड़बड़ी में कहीं बाहर चले गए। और कहाँ गए ये आपने पूछा तो नहीं होगा? पूछा तो आपने भी नहीं होगा अपने साहबजादे से कि वो कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी ले गया था, ये जानते हैं? हाँ सर, ब्लैक मर्जी। ब्लैक मर्जी का? दो लोग साथ में थे और तीसरे को फोन करके बुलाया गया, किसी एक मीटिंग पॉइंट पे तीनों मिले होंगे। मतलब सर संजना के ड्राइवर ने उसे उस मीटिंग पॉइंट पे ड्रॉप किया होगा? हाँ,
किसी भी हाल में इस ड्राइवर को ढूंढना होगा। उसने संजना को जहां पे ड्रॉप किया था, हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं से आगे बढ़ेगा। साहब 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 साहब, इधर ही रोको सब। साहब साहब, संजना मैडम को मैंने इधर ही छोड़ा था। यहाँ पे? ऐसी सुनसान जगह पे लड़की को अकेला छोड़ दिया, पूछा नहीं तुमने? साहब, पूछने पे मैम नाराज होती हैं। बस बोला कि तुम घर जाओ और मॉम को बता देना कि मुझे लेट होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैम, मैं गाड़ी लेके घर चला गया और कुछ नहीं पता साहब। तनुज और रणवीर ने संजना को यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया होगा? हुआ क्या यहाँ पे? देखो जरा आस पास चेक करो। सर, ये तो रणवीर की कार है। अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ कर दिया। टिक्की में भी कुछ नहीं है सर। वैसे तो मुझे आत्मा से बहुत डर लगता है, मगर इंजेक्शन से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है इस दुनिया में सर। यूज किया हुआ इंजेक्शन है, देखा लिक्विड अभी भी है इसमें। सर, यहाँ पे क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि तनुज और रणवीर ने संजना को यहाँ पे बुलाया, ये इंजेक्शन देके बेहोश किया या फिर मार डाला उसे। मगर सर, संजना तो रणवीर की गर्लफ्रेंड है, वो दोनों भला उसे क्यों मारेंगे? उसे पता चल गया होगा रणवीर और तनुज के प्लान के बारे में, कहीं वो सीआईडी को कुछ ना बता दे इसलिए रास्ते से हटा दिया। दो दो खून कर चुके हैं, संजना को मारना क्या बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन सर, लाश का क्या किया होगा उन्होंने? लाश ये कहीं छुपा दी होगी इस जंगल में, जैसे एक गाड़ी छुपा दी है। ढूंढो। यहाँ पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। सर, आसपास सब छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है ये लोग संजना को अपने साथ ही ले गए होंगे, पर यहाँ से निकलेंगे कैसे? रणवीर की कार तो यहीं पे है। सर, कहीं वो दोनों दूसरी कार से रफू चक्कर तो नहीं हो गए? ठीक कह रहे फ्रेडी, लाश को लेके चल के कितनी दूर जाएंगे? वैसे भी इस रणवीर के पास 3-4 गाड़ियां हैं। एक काम करते हैं, इसी रास्ते पे आगे चलते हैं। सर, रणवीर और तनुज वापस सिटी की तरफ भी तो जा सकते हैं। नहीं जाने,
उन्हें अगर वापस सिटी की तरफ जाना होता तो संजना को फोन करके इतनी सुनसान जगह पे नहीं बुलाते। जरूर ये लोग आगे ही गए। हाँ सर, वो लड़के बड़े ही चालाक है। वो जानते ही कि अगर वो वापस गए तो पकड़े जाएंगे। हमने सारे चेक नाके और टोल नाके को अलर्ट जो कर दिया है, उनकी फोटो भी तो दे दी है। हाँ पेड़ी, सब सोच समझ के संजना को बुलाया था उन लोगों ने। मतलब उन्होंने ये सब प्लान के मुताबिक किया है? हाँ, लेकिन प्लानिंग तो हमने भी पूरी की है। सारे टोल नाके और चेक नाकों को इन्फॉर्म कर दिया, उनकी फोटो भी दे दी है। बच के जाएंगे कहाँ? सर, यहां से तो दो रास्ते जा रहे हैं। सर, ये पक्की सड़क तो हाईवे की तरफ जाती है। अगर हाईवे की तरफ गए तो चेक नाका मिलेगा और पुलिस भी पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कच्ची सड़क पकड़ी होगी ताकि किसी की नजर उन पर न जाए। ठीक है फिर, इसी तरफ चल के देखते हैं। सर, एक आदमी को रास्ते पे मार दिया, रोमा के बाल खींच लिए खाल के साथ, और अब संजना का भी खून कर दिया। ये रणवीर आखिर कर क्या रहा है? एक बार रणवीर हाथ लग जाए फिर वही बताएगा। सर, ये तो किसी फार्म हाउस की बाउंड्री लग रही है। फार्म हाउस। चलो उधर से देखते हैं। वो देखा, जहां रास्ता खत्म होता है लोग आशियाना बना लेते हैं। मार इसे। हाँ, मतलब मैं पहले भी एक खून कर चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है मारने के। पकड़ो और मारो इसे। नहीं, मैं नहीं मार सकता इसे। क्यों? इस जुर्म में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसे तुम्हें मारना ही होगा। अगर इसको नहीं मारा ना तो हम सब मारे जाएंगे। मारो। सोच क्या रहे हो? मारो इसे जल्दी से। जब तक ये जिंदा रहेगी हम सब मुसीबत में रहेंगे। मारो इसे। Come on! मारो, मारो इसे। ये फार्महाउस में कौन आ गया? यहां से भाग निकलते हैं। खून अभी भी गिला है।
बेहोश है। ये रणबीर, तनुज और संजना इस हालत में, मतलब गुनहगार ये तीनों नहीं, गुनहगार कोई और है। ये बेचारे तो उस मुजरिम का शिकार बन गए और असली मुजरिम इन तीनों को बांधकर यहाँ से भाग गया। अब समझ में आ रहा है, रणबीर तनुज और संजना को खूनी ने वहां सुनसान सड़क पे बुलाया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, रणबीर की गाड़ी वहीं जंगल में छुपा दी और अपनी गाड़ी में डाल के यहां फेंक दिया। काम करो, हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो इनको। सर, जिस लड़की के सैंडल पे तारकोल लगा हुआ था वो भी इन्हीं के साथ थी ना? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसको भी हाथ पैर बांध के इसी बंगलों में कहीं फेंक दिया हो? बंगलों को अच्छी तरीके से चेक करो, वो लड़की जरूर मिलेगी यहीं कहीं। खोलो रोमा, रोमा, रोमा तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो हम आ गए ना, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोमा। रोमा डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए रोमा। नहीं, नहीं रोमा, रोमा कुछ नहीं होगा तुम्हें, रोमा रोमा तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ये बताओ कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी हालत की है? कौन है रोमा? नाम पता हुलिया, कुछ तो बता रोमा। कोशिश करो रोमा, बोलो रोमा, कोशिश करो रोमा, रोमा कुछ तो बता रोमा, रोमा। रोमा मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी और आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। सर,
एक बार उन कातिलों का पता लग जाए फांसी पे लटका कर ही चैन की सांस लूंगा। ये लोग जो कोई भी है रणवीर उसे अच्छी तरीके से जानता है, तभी उसके बुलाने पे ये लोग उस सुनसान सड़क पर उसे मिलने चले गए। ये लोग उस रात रणवीर की बर्थडे पार्टी में भी जरूर होंगे। बर्थडे पार्टी। Listen guys, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है और उसके लिए इनफैक्ट मैंने उसका ट्रेलर भी शूट कर लिया है और आज अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। आई होप यू लाइक इट। एवरी प्लीज क्या हो बे? कुछ नहीं साहब, कितना मांगता है? 10 लीटर बच्चे। 15 लीटर अरे बाबा 10, 15, 25 ठीक ढंग से तो बोलो कितना मांगता है। चल गाइस 10 काफी है, बन बे चल चल ओ गॉड ये तो बिल्कुल अच्छा कोइंसिडेंस। रिलैक्स ये जवान ऐश कर बड़े ऐश कर। बियर नहीं मिलता मैडम। दारू तो है ना? दारू तो जल्दी। ये तो बिल्कुल मतलब रिसेम्ब्लेंस। क्या राहुल को सब पता है? कैसे पता चल सकता है उसे? तुम्हें क्या गाड़ी लेकर आए हो? हर 10 मिनट में बंद हो जाती है। बाबा मैकेनिक को बोल दिया है वो ले जाएगा गाड़ी। क्या गाड़ी ले जाएगा? अरे रुको तब तक देखते कोई लिफ्ट दे दे तो। ये लो ये भी चलेगा।
बिल्कुल रुका रही है। मुझे तो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। कमान भाई ये ए क्या कर रहा है? ए ब्यूटी बर्ड तमीज से रहे। हाँ दादा भाई हमारी गाड़ी है तो हाथ मत लगा बोला मैंने। लाऊं मैं हाथ। गाड़ी रोको गाड़ी रोको। नहीं रुकेगी गाड़ी। रुको अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। पुलिस को फोन करे वह गाड़ी रोकता है कि फोन करूँ मैं। गाड़ी रोक किसने बुलाया? I think हमें इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा वरना CID हमारे पीछे पड़ जाएगी। Guys, अगर इन दोनों ने हमें पहचान लिया तो we are finished। CID ने ही उन्हें यहाँ बुलाया हो तो That means CID भी यही कही। Oh God! हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये दोनों कौन है सर? ये दोनों वही हैं जिन्हें खूनी ने देखा है। खूनी ने देखकर जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। तुम भी नजर रखो। एक्सक्यूज सर, सर मैं आपके लिए। क्या ये? अरे कौन? अरे किसने दिया ये? देख देख क्या लिखा है इसमें। देख चलती रही। क्लब के टेरेस पे बुलाया है। क्या टेरेस पे को बुलाया है? पता नहीं यार क्यों बुलाया लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझे तो। चलना तो पड़ेगा ही जब यहां तक आए हैं। चल चल के देखते हैं। चल जल्दी कर। क्या सोचा हमें CID से पकड़ा दोगे? CID? हाँ CID। फंस गए ना तुम CID की चाल में। सिद्धि, ईशान, विशाल, बहुत खेल खेल लिया तुम लोगों ने। अब चुपचाप अपने आप को CID के हवाले कर दो। तुम चलो मैं देखता हूँ। मैं रुकते हैं CID को। कम से निकम। ए रुक रुक रुक। सर सर आप ठीक है ना? गोली बस छू के निकलो। तेरी तो नहीं। गोली बस चला उसको जिंदा पकड़ना। दया सर को फोन करके बता दो वो दोनों भाग गए। CID से भाग के जा रहा है? शाह जल्दी करो।
गाड़ी रोक। कार रेसिंग कर ली, गेम ओवर। विराज को हम नहीं मारा है सर। और रोमा? रोमा की मौत भी हमारी वजह से हुई है सर। बहुत बड़े फूल हो गए सर। फूल? तो बेगुनाह मासूम लोगों का खून करने के बाद अब कह रहे हो कि फूल हो गई? क्यों मारा उन दोनों को? सर हमने इतनी पी ली थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर। हमें पता ही नहीं था सर हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग इतने नशे में थे कि बिना वजह किसी का खून कर दिया। बोलो विराज और रोमा को क्यों मारा? सर वो क्या? सर अबे बोल। सर हम लोग नशे में थे जब रोमा और विराज ने हमसे लिफ्ट ली। अच्छा मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो आएगा और लेकर चला जाएगा। तब तक हम किसी दूसरी कार से चले जाते हैं, देखते हैं कोई ना कोई तो लिफ्ट देगा ही। वो देखो कार आ गई, ये जरूर हमें पहुंचाएगी। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। हेलो रुकी पीछे रखो, हाथ पीछे रखो। हाथ पीछे रखो। मैं कह रहा हूँ हाथ मत लेना, सुनाई नहीं देता। ए, हाथ पीछे रखो। तमीज से बात कर। ए, हेलो, हाथ पीछे रख। ओए, हाथ पीछे रख। हाथ मत लगाना, मैं बता रहा हूँ तुझे, तमीज से बात कर। हाथ हटा लेना। ले आऊंगा। ए, स्टॉप द कार। तुम लोग ऐसे बात नहीं होंगे, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी रुक गया सिद्धि। शर्मानी चाहिए तुम्हें सिद्धि, एक लड़की होते हुए भी इतनी घिनौनी हरकत करने से तुमने इन्हें रोका नहीं। रणवीर को सारी बात का पता था, फिर उसने क्यों छुपाया? नहीं सर, रणवीर को सारी बात का पता नहीं था, आधी बात सर। आधी बात? पूरी बात बताओ क्या है सर। रणवीर को उसने इतना ही बताया था
के रास्ते में हमारा दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और सर ड्राइवर के साथ बहस में हमने उस गाड़ी के पैसेंजर्स को बुरी तरह पीट दिया सर। रणवीर को हमने ये नहीं बताया कि हमने उनका खून कर दिया। तुम लोगों को आइडिया भी है तुम लोगों ने किया क्या? कहा था छोटा सा एक्सीडेंट है, मारा मारी और झगड़े में वो लोग इंजर्ड हो गए, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मर्डर किया है। मेरे कजिन्स मर्डरर्स। सॉरी भैया। क्या सॉरी यार? तुम लोगों को बचाने के चक्कर में हमसे भी जुर्म हो गया। तुम्हारी गाड़ी साफ की, तुम्हारे सारे सबूत मिटाए। क्या होगा? सीआईडी को पता चलेगा तो? मैंने तो कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा। गलती हो गई। गलती? ये कोई कॉलेज के एग्जाम में की गई चीटिंग नहीं है, मर्डर है। मर्डर? तुम लोगों ने दो लोगों का मर्डर किया है। एक्चुअली हम खुद ही बहुत डर गए थे रणवीर। सॉरी रणवीर, माफ कर दो हमें। प्लीज भैया, कोई रास्ता निकालो भैया, हमें इस मुसीबत से बचा लो भैया प्लीज। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, सीआईडी को सब कुछ बता दो, सरेंडर कर दो। देख लिया नशा करने का अंजाम, दो निर्दोष जिंदगियों को तुम लोगों ने खत्म कर दिया और साथ में अपना भविष्य भी। अब जेल में बैठ के इंतजार करना फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।